मित्रों, राम नाम सुनते ही मानो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। यूं ही नहीं, प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और आदि पुरुष कहा जाता है। उन्हें अपने त्याग, समर्पण, आज्ञाकारी, प्रेम जैसे व्यवहार के लिए जाना जाता है। बता दें कि भगवान राम को लेकर बहुत सी बातें बताई जाती हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो दुनिया के लोगों से छिपी हुई है। अब वो बातें कौन सी हैं, ये जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। ये बात उस समय की है जब महाराज दशरथ के चारों पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके अयोध्या लौट आए थे। उसके बाद चारों भाइयों की शादी महाराज जनक की पुत्रियों से हुई। ये सब देखकर महाराज दशरथ अपने सबसे बड़े बेटे राम को अयोध्या का राजा बनाने का फैसला लेते हैं। ये फैसला सुनते ही सभी बहुत खुश हो गए थे, लेकिन महारानी कैकेयी की दासी मथुरा इस बारे में महारानी के मन में जहर घोलती हैं और राम जी को राजा ना बनने देने के लिए उकसाती हैं। वैसे तो महारानी कैकेयी राम जी से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन वो उस समय मथुरा के जाल में ऐसे फंस जाती हैं और इसी वजह से उन्होंने महाराज दशरथ को उनके वादे याद दिलाए और मजबूर करती हैं कि वो राम जी को 14 सालों का वनवास दें और भरत को राज्य गद्दी सौंप दें। महाराज दशरथ को भी मजबूरी में इस बात के लिए ये फैसला लेना पड़ा, जिसके बाद भगवान राम अपनी धर्मपत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जंगल की तरफ निकल पड़े। अब मित्रों, राम जी की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन करने के लिए भले ही आपको कुछ समय का इंतजार करना पड़ रहा हो, लेकिन आर्टेरियम के 3D राम मंदिर मॉडल को आप कभी भी अपने घर ला सकते हैं। जी हाँ, ये मंदिर आपके घर में न सिर्फ अयोध्या की पवित्रता महसूस कराएगा, बल्कि आपके घर को सुख शांति से भी भर देगा। आर्टेरियम इसे हर सनातनी के घर तक पहुंचाना चाहता है ताकि श्री राम की कृपा सभी पर बनी रहे। तो बिना देर किए www.theartherium.com पर जाएं और राम मंदिर को अपने घर पर लाएं। वैसे अगर आप हमारा कूपन कोड यानी के Divine10 यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा। चलिए अब मित्रों कहानी पर वापस आते हैं। अब उधर जब राजकुमार भरत को ये बात पता चली कि भैया राम लक्ष्मण और भाभी सीता के साथ चित्रकूट में ठहरे हुए थे, तब वो तुरंत ही उनसे मिलने के लिए चित्रकूट की तरफ निकल पड़े। उनके साथ उनका सैन्य दल भी था, क्योंकि वो चाहते थे कि कहीं बड़े भाई श्री राम को कोई परेशानी ना पहुंचा सके, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए वो सैनिकों के साथ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चित्रकूट में भगवान राम, लक्ष्मण जी और देवी सीता अपनी कुटिया के बाहर शांति से बैठे हुए थे। तभी उन्हें कहीं से पैरों की आवाज और धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ ही समय में ये आवाज तेज हो गई थी और तभी कोई वनवासी उन्हें ये खबर देते हैं, राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट आ रहे हैं और जल्द ही वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। भरत के चित्रकूट आने की खबर सुनकर लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा हुए और भगवान राम से कहा कि जैसी माता वैसा पुत्र, राजकुमार भरत अपनी सेना के साथ आप पर हमला करने आ रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि आप जंगल में अकेले हैं, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, तो वो बड़ी ही आसानी से हमें मारकर अयोध्या का राज्य हड़प लेंगे। अब ये सब सुनने के बाद मित्रों, भगवान राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए ये कहते हैं कि शांत हो जाओ लक्ष्मण, भरत ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसका चरित्र बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, बल्कि वो तो सपने में भी अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकता। जिसके जवाब में लक्ष्मण जी का गुस्सा शांत नहीं होता और वो कहते हैं कि राजकुमार भरत अपने मकसद में कभी सफल नहीं होंगे और जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा नहीं होगा। लेकिन राजकुमार भरत तो अपने बड़े भाई राम से मिलने के लिए आतुर थे, इसी वजह से वो अपनी सेना में सबसे आगे चल रहे थे और उनके साथ तीनों माताएं, कुलगुरु, महाराज जनक और बाकी श्रेष्ठ जन भी थे। उन सभी को पहुँचने में बहुत रात हो गई थी। जितने लोग प्रभु राम से मिलने आ रहे थे वे सभी उन्हें वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए थे। कुछ ही समय बाद जैसे ही राजकुमार भरत अपने बड़े भैया को देखते हैं, वो उनके पैरों में गिर जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, साथ ही उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये देखकर प्रभु राम भी दौड़कर उन्हें ऊपर उठाते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। ये दृश्य देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग भावुक हो गए थे। तब राजकुमार भरत पिता महाराज दशरथ की मौत की खबर बड़े भाई राम को देते हैं और इसी वजह से भगवान राम, माता सीता और छोटा भाई लक्ष्मण बहुत दुखी हुए थे। प्रभु राम नदी के तट पर अपने पिता महाराज दशरथ को विधि विधान के साथ श्रद्धांजलि देते हैं, साथ ही अपनी अंजुरी में जल लेकर अर्पण करते हैं। अब अगले दिन जब भगवान राम,
भरत, आदि पूरा परिवार, महाराज जनक और सभासद आदि बैठे होते हैं, तो भगवान राम अपने भाई भरत से वन आने का मतलब पूछते हैं। तब भरत अपनी बात उनके सामने रखते हैं कि वो प्रभु का जंगल में ही राज्याभिषेक करके उन्हें वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए हैं। अयोध्या की राज्य संबंधी जिम्मेदारी उन्हें ही उठानी होगी। अब महाराज जनक भी राजकुमार भरत के इस विचार का समर्थन करते हैं, लेकिन राम जी ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देते हैं। वो अयोध्या लौटने को तैयार ही नहीं हुए, क्योंकि वो अपने पिता को दिए वचन की वजह से बंधे हुए थे। राजकुमार भरत, माताएं, सभी लोग प्रभु राम को उसके लिए मनाते हैं, लेकिन वादे से बंधे होने की वजह से श्री राम ऐसा करने से मना करते हैं। जिसके बाद राजकुमार भरत बड़े ही दुखी मन से अयोध्या वापस लौटने के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं। लेकिन जाने से पहले वो भैया राम से कहते हैं, अयोध्या पर बस राम जी का ही अधिकार है और वनवास के 14 सालों का समय ही मैं राज्य का कार्यभार संभालूंगा, और इस काम को संभालने के लिए आप मुझे आपकी चरण पादुकाएं दे दीजिए। मैं इन्हें ही राजगद्दी पर रखकर आपको महाराज मानकर आपके प्रतिनिधि के रूप में 14 सालों तक राज्य करूंगा। लेकिन हाँ, जैसे ही 14 सालों का समय पूरा होगा, आपको दोबारा से अयोध्या लौट आना होगा, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अब भरत की बातें सुनकर और उनकी मन स्थिति को देखकर लक्ष्मण जी को उनके लिए किए गए अपने गुस्से पर दुख हो रहा था कि उन्होंने इतने समर्पित भाई पर किस तरह संदेह किया। उन्हें इन दुखी घटनाओं के घटित होने की वजह समझा। प्रभु राम भी अपने छोटे भाई भरत का प्रेम, समर्पण, सेवा भावना और कर्तव्य देखकर उन्हें प्रेम के साथ अपने गले लगा लेते हैं। वो अपने छोटे भाई राजकुमार भरत को अपनी चरण पादुकाएं देते हैं और साथ ही उनसे ये वादा भी करते हैं कि जैसे ही 14 सालों के वनवास की अवधि पूरी होगी तो वो अयोध्या वापस लौट आएंगे। राम जी की बातें सुनकर राजकुमार भरत थोड़े संतुष्ट तो होते हैं और उनकी चरण पादुकाओं को बड़े ही सम्मान के साथ अपने सिर पर रखकर बहुत ही दुखी मन से अयोध्या की तरफ निकल पड़ते हैं। बाकी सभी परिवार के लोग भी एक दूसरे से बड़े ही दुखी मन से विदा लेते हैं। अब मित्रों बता दें कि भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाई चित्रकूट के उस गांव जिसका नाम भारतपुर है, यहीं पर वनवास में रह रहे थे। इसी जगह पर भरत, शत्रुघ्न ने प्रभु राम को पिता की मृत्यु की खबर दी थी। जहां पर भरत मिलाप हुआ था वहां पर 3 मंदिर बने हैं, जिसमें राम भरत मिलन, देवी कौशल्या सीता मिलन और लक्ष्मण शत्रुघ्न मिलन बताया जाता है। तीनों मंदिरों में आज भी पत्थर की शिला पर चरण चिन्ह देखे जा सकते हैं। लाखों की संख्या में भक्त यहां पहुंचकर चारों भाइयों के दर्शन करते हैं। इसी के साथ आपको देवी सीता और लक्ष्मण जी की एक भयानक रात के बारे में बताते हैं। दरअसल जब रावण का वध करने के बाद प्रभु राम लंका से देवी सीता के साथ अयोध्या लौट रहे थे, उस समय राम नगरी अयोध्या को दीपकों से सजाया जा रहा था और ये दिन दीपावली का था, जिसे आज भव्य त्योहार के रूप में मनाया जाता है। उसी समय देवी सीता को ये याद हुआ कि वनवास जाने से पहले माता सरयू नदी से वादा किया था कि अगर दोबारा अपने पति और देवर के साथ सही सलामत अयोध्या वापस आऊंगी तो आपकी पूरी विधि विधान से पूजा करूंगी। अभी सोचकर माता सीता लक्ष्मण जी को साथ लेकर रात में सरयू नदी के किनारे पहुंच गईं। उन्होंने सरयू की पूजा करने के लिए अपने देवर से पानी लाने के लिए कहा। भगवान लक्ष्मण पानी लेने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। वो घड़े में पानी भर ही रहे थे कि तभी अचानक नदी के अंदर से अघासुर नाम का एक राक्षस निकला, जो लक्ष्मण जी को निकलने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। लेकिन तभी देवी सीता ने ये देखकर उन्होंने लक्ष्मण को बचाने के लिए खुद लक्ष्मण को निकल गए। जी हाँ, लक्ष्मण जी को निकलने के बाद देवी सीता और लक्ष्मण जी का शरीर पानी की तरह एक तत्व में बदल गया और ये अद्भुत दृश्य हनुमान जी एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहे थे। उन्होंने माता सीता और लक्ष्मण जी का जल रूपी सम्मिश्रण शरीर एक घड़े में भर लिया और राम जी के सामने सारी घटना सुनाई। हनुमान जी की सारी बात सुनने के बाद राम जी मुस्कुराए और उन्होंने बताया कि एक राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था, इसलिए इसका वध मैं भी नहीं कर सकता। महादेव के इस वरदान के हिसाब से अघासुर का वध तभी किया जा सकता है जब देवी सीता और लक्ष्मण का शरीर एक होकर किसी तत्व में बदल जाए और हनुमान उस तत्व का इस्तेमाल एक शस्त्र के रूप में करें। अब भगवान राम की ये बातें सुनकर हनुमान जी ने उस घड़े के पानी को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू नदी में बहा दिया। नदी में उस पानी के मिलते ही सरयू में आग की लपटें उठने लगी, जिसमें जलकर दैत्य अघासुर भस्म हो गया। राक्षस के भस्म होते ही नदी ने देवी सीता और लक्ष्मण जी को उनका शरीर वापस कर दिया और इस तरह से उन्हें दोबारा एक नया जीवन मिला। अब आखिर ऐसा क्या हुआ था जो माता सीता को लक्ष्मण जी के लिए खींचनी पड़ी थी सीता रेखा?
देखिए मित्रों, बता दें कि लक्ष्मण जी श्री राम के छोटे भाई और शेषनाग के अवतार थे। लक्ष्मण जी राम जी और देवी सीता को अपने माता पिता की तरह ही मानते थे। ऐसा आया था जब उन्होंने खुद को एकदम कमजोर महसूस किया था। जी हाँ, और ये वो समय था जब देवी सीता ने उनके सामने सीता रेखा खींच दी थी और उन्हें सीमाओं में बांध दिया था। लंका युद्ध खत्म होने के बाद राम जी के राज्याभिषेक होने के कुछ दिनों के बाद अयोध्या की प्रजा द्वारा देवी सीता की पवित्रता पर बहुत से सवाल उठाए जाने लगे। और जब इस बात का पता माता सीता को चला तो उन्होंने खुद ही भगवान राम के द्वारा अपना त्याग करने और वन में जाने का फैसला किया। राम जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन देवी सीता उन्हें अपने वचनों में बांधकर वन की तरफ प्रस्थान कर गईं। इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी गई थी, केवल लक्ष्मण जी को ही माता सीता को वन में छोड़ाने का आदेश मिला था। वहीं जब देवी सीता लक्ष्मण जी के साथ रथ में बैठकर जंगल में पहुंच गईं, तब उन्होंने लक्ष्मण जी को रथ रोकने और उन्हें वहां से वापस लौट जाने को कहा। इस पर शेषनाग अवतरित लक्ष्मण रोने लगे और वापस जाने से मना कर देते हैं। उन्होंने देवी जानकी से कहा कि वो उन्हें अकेले जंगल में नहीं जाने देंगे और वो भी उनके साथ चलेंगे और तो और एक बेटे की तरह उनकी सेवा करेंगे। लक्ष्मण जी की बात सुनकर देवी सीता ने उन्हें समझाने की कोशिश की और वापस लौटकर भगवान राम की सेवा करने को कहा, लेकिन लक्ष्मण जी वहां से जाने को तैयार ही नहीं थे। वो अपनी बात पर अटल थे कि वो यहां से नहीं जाएंगे और माता सीता की सेवा करेंगे। जब देवी सीता ने देखा कि लक्ष्मण जी ऐसे नहीं मानेंगे, तब उन्होंने राम जी के भाई के सामने एक पेड़ की डाली रखी और कहा कि जिस तरह एक दिन उन्होंने देवी सीता के लिए रेखा खींची थी और उसे पार करने से मना कर दिया था, उसी तरह माता जानकी ने भी लक्ष्मण जी के सामने रेखा खींची और एक माता के नाते उन्हें आदेश और अपनी शपथ देती हैं कि वो इसे लांघकर उनके पीछे नहीं आएंगे। इतना कहकर देवी सीता उस डाली को पार करके जंगल की तरफ चली जाती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको इस बारे में और डिटेल्स चाहिए तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।